सो फाइनली दोस्तों बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के 9th क्लास के रिजल्ट्स के बारे में। सभी स्टूडेंट को इंतजार है अपने रिजल्ट्स का कि हमारे 9th क्लास का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा और किस प्रकार से जो है हमारे को रिजल्ट यहाँ पे चेक करना होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपके 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट है वो आपको देखने को मिले। ऐसे में मई के अंदर आपके 9th और 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो मिलना चाहिए। तो आपकी जो 9th क्लास का जो रिजल्ट है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को पर अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली दिनों के अंदर झारखंड बोर्ड के 9th क्लास का और 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देखने को मिल सकेगा। सो गाइस बिना किसी देरी के अपने यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपको 9th क्लास का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट करना कुछ भी नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे गूगल ब्राउजर खोल लेना है अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ पे गूगल ब्राउजर खोलने के बाद में जस्ट आपको यहाँ पे सर्च करना होगा rkli.in। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट को सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको जो सभी बोर्ड एग्जाम्स के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स पे क्लिक कर लेना है और इसी लिंक के माध्यम से आपको झारखंड बोर्ड के 9th क्लास का जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि झारखंड बोर्ड के जो 9th क्लास का, 8th क्लास का, 10th और 12th और 11th के जो सभी रिजल्ट्स हैं इसे एक के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो 10th और 12th का जो रिजल्ट्स है वो आपका जारी हो चुका है। बात करने वाले हैं 9th क्लास के रिजल्ट्स के बारे में, तो 9th वाले पे अपन क्लिक कर लेंगे और आपका जो रिजल्ट्स है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर चेक करना होगा। ठीक है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि आपकी जो एग्ज़ाम थी वो 1-2 मार्च को हुई। ठीक है, 2 दिन के अंदर आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए थे और मई के अंदर आपका जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे बताया गया था कि मई के अंदर आपको रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे आपका जो रिजल्ट्स है वो जारी नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो रिजल्ट्स है वो ग्रेड वाइज यहाँ पे जारी होने वाला है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, ग्रेड वाइज ही आपको जो यहाँ पे रिजल्ट्स है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ऑफिशियली वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो किसी को भी गूगल पे सर्च करना नहीं आता, जो कुछ भी अगर है, जो भी प्रोसेस वगैरह आपको नहीं करनी आती, तो सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक दिया हुआ है, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो इंटरफेस है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और इसी लिंक के माध्यम से आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अपन क्लिक हेयर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने झारखंड बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर आपको जैसे ही 9th क्लास के, 11th क्लास के रिजल्ट आएंगे वो यहाँ से आपको शो करवा देगा। ठीक है, 9th क्लास का रिजल्ट कब तक जारी होगा तो आप सभी को पता होगा कि कल या परसों के अंदर आपको जो है 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है, यानी कि झारखंड बोर्ड के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर ये बताया गया था कि 11 या 12 मई के समथिंग आपको जो रिजल्ट्स को लेकर जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि आज या कल की डेट में आपको बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा और उसके अंदर ये बता दिया जाएगा कि 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो आपका कल या परसों में कितने बजे यहाँ पे जो है जारी होगा। फिलहाल 9th क्लास के रिजल्ट को लेकर के फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो मेरे ख्याल से 11th क्लास का जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में ही आपको 9th क्लास का रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 15 से 20 मई के बीच में आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई भी ऑफिशियली अपडेट आती है, कोई भी ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट आता है, तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना था, आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।